ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पुरानी बात है कि एक क्लास में नंबर आपस में बात कर रहे थे, तभी दोस्तों 9 नंबर के मन में पता नहीं क्या आया, उसने उठाकर 8 नंबर को एक तेजी से चप्पल जड़ दिया। 8 ने पूछा, भाई ये क्या बात हुई, तूने मुझे क्यों मारा? तो 9 ने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं लीडर हूं क्लास का, मैं जो चाहे कर सकता हूं। तो 8 को बहुत बुरा लगा, लेकिन दोस्तों फिर क्या था, पूरी क्लास में हलचल मच गई। 8 ने दिया थप्पड़, 7 को जड़ा, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 3 को, और पूरी क्लास में थप्पड़ों की बौछार चालू हो गई। दोस्तों जब जैसे ही 2 ने 1 को थप्पड़ लगाया, तो जो शून्य था वो कहीं जाकर छुप गया। 1 को जैसे ही थप्पड़ लगा, वो शून्य को ढूंढता ढूंढता पहुंचा कि भाई तू कहां छुप रहा है? तो शून्य ने कहा कि भाई अब मेरी बारी है, इसलिए मैं छुप रहा हूं। तो 1 ने कहा, तू चिंता नहीं कर, मैं तुझे थप्पड़ नहीं लगाऊंगा। और ऐसा कहकर 1 उसके बराबर में आकर बैठ गया। तो शून्य ने कहा, अरे ये तो कमाल हो गया, तूने तो मुझे शून्य से 10 बना दिया, तूने तो मुझे 9 से भी बड़ा कर दिया। तो 1 ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सच्चे लीडर की पहचान है। लीडर वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन लीडर वो होता है जो दूसरों को भी अपनी सोच, अपने कर्मों से, अपने बोल से बड़ा बना देता है। दोस्तों हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। ये लीडरशिप स्किल्स जो हैं दोस्तों, ये हमारे केवल प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे सोशल इंटरेक्शंस में, हर जगह ये बहुत आवश्यक होते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा, और इन 4 बातों को यदि आपने समा लिया, इनको ग्रहण कर लिया, तो दोस्तों अपने जीवन के हर पहलू में आप सफल हो सकते हैं, अचीवर बन सकते हैं, जो चाहे उसको प्राप्त कर सकते हैं, और दोस्तों लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे, आपको सम्मान किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, यू विल स्टार्ट कमांडिंग रिस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग इट। दोस्तों लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है, वो है विजन एंड क्लैरिटी। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चल रहा है, लेकिन उसने अपने जीवन में अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को सेट नहीं किया, अपनी विजन को क्लियर नहीं रखा दोस्तों, वो कभी भी अपने मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। अगर हम दौड़ते चले जाएं, लेकिन दिशाहीन दौड़ हमको लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचा सकती। इसलिए एक अच्छा और सफल लीडर अपने हर एस्पेक्ट के गोल्स को डिजाइन करता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी टाइम, अपने रिक्रिएशन के लिए भी टाइम, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम, और अपने प्रोफेशनल गोल्स को भी परफेक्ट तरीके से अलाइन रखता है। यही नहीं दोस्तों, इन गोल्स को समझते हुए वो अपने सामने चैलेंजेस को पहचानता भी है, लेकिन फोकस अपनी स्ट्रेंथ्स पर करता है, अपनी शक्तियों पर करता है, और अपनी शक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वो अपनी वीकनेसेस को भी ओवरपावर कर सकता है, अपनी वीकनेसेस के ऊपर भी दोस्तों विजय प्राप्त कर सकता है। ये है सच्चे और पावरफुल लीडर की पहली पहचान। दोस्तों अपने गोल्स को, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखिए, अपने टारगेट्स को बिल्कुल सेट रखिए। दोस्तों दूसरी बात जो एक लीडर की क्वालिटी है, वो है डिसाइसिवनेस। लीडर कभी भी इनडिसाइसिव नहीं होगा, क्या करूं, कैसे करूं, अगर ऐसे होगा तो वैसे होगा, ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दोस्तों नहीं, एक डिसाइसिव व्यक्ति ही लीडर कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इरेशनल डिसीजंस लेना, लेकिन सोचकर और समझकर किए गए पावरफुल निर्णय उनके अपने गोल्स की तरफ गति को पावरफुल तेजी से बढ़ा देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में फेलियर्स यानी लर्निंग्स का भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान अपने गोल्स की तरफ से कभी भी नहीं हटता। इसलिए एक पावरफुल लीडर हमेशा अपने जिंदगी में अच्छे, टफ और वंडरफुल डिसीजंस लेता है। तीसरी क्वालिटी दोस्तों जो लीडर की होती है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी। लीडर हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर सकता है, लोगों के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर सकता है, उनका स्वभाव, उनका थॉट्स मोल्डेबल और अडैप्टेबल होते हैं। दोस्तों ऐसा करना अर्थात लोगों की भावनाओं को समझना, उनके इमोशंस को समझना, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग उनसे क्या चाहते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है,
अपने परिवार के अंदर, उनके परिवार के लोग उनसे क्या चाहते हैं दोस्तों, उन सबकी भावनाओं को समझते हुए, सम्मान देते हुए, जब अपने जीवन के अंदर अपनी सोच और अपने कर्मों को हम फ्लेक्सिबल रखते हैं, अडेप्टेबल रखते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली एक गुण आता है, वो है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को हम समझ कर सम्मान कर सकते हैं। यही एक पावरफुल लीडर की पहचान है। वो हमेशा अकेले नहीं बढ़ता दोस्तों, लेकिन वो अपने साथ सबको लेकर अपने बराबर खड़ा करता है, उनको शक्तिशाली बनाता है और उनको अपने साथ आगे लेकर बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, एक पावरफुल लीडर अपनी सिचुएशंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी टफ डिसीजंस लेते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुण को भी धारण करता है। जहां वो सक्सेस का सब क्रेडिट भी ले सकता है, वहां कभी कभी जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, कभी कभी टफ सिचुएशंस आती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो आगे बढ़कर लेता है। दोस्तों, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का संयम जीवन के अंदर, डिसाइसिवनेस, विजन की क्लैरिटी और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी आती है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति ना केवल स्वयं आगे बढ़ता है, लेकिन अनेकों अनेक लोगों को आगे भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अ ग्रुप ऑफ डोंकीज लेड बाय अ लायन विल ऑलवेज डिफीट अ ग्रुप ऑफ लायंस लेड बाय अ डोंकी। तो दोस्तों, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी सोच को लीडरशिप स्किल से प्रेरित करिए। इन चार बातों को अपनाकर ना केवल अपने आप को, लेकिन आपके साथ जो भी जीवन में आते हैं उनको भी शक्तिशाली बनाइए, उनको भी एम्पावर करिए, ताकि वो लोग भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ दोस्तों लेकर जाएं। तो दोस्तों, इन बातों को केवल हम अपनी पर्सनल लाइफ में 3 दिनों के लिए यूज करेंगे। इन 4 qualities को 3 दिनों के लिए यूज कर देखिए और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार का मैजिक होता है। विजन एंड क्लैरिटी, डिसाइसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, ये 4 गुण हमारे जीवन में हमको ट्रू लीडर बनाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, हमारे 3T सीरीज में ऐसी छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारा केवल एक एम है कि इन बातों को सुनकर हमारे जीवन में ये छोटे चेंजेस जो हैं, हमारे संपूर्ण जीवन को एक नया मार्गदर्शन करें, हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो, हमारे संबंध वंडरफुल हो, खुशियों के इस जीवन में हर पल हमारे जीवन में हमको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। शुक्रिया, ओम शांति।